इधर चौथा मेंबर जकॉल आते ही हनी बैजर के पिछवाड़े में इंटरेस्ट दिखाने लगता है, जिससे गुस्साए हनी बैजर उस पर चिल्ला के बोलता है, साले तू क्या कर रहा है और वह क्या कर रहा है, देखना झाटू। लेकिन वह फिर वापस आता है। फिर हनी बैजर दूसरे को भी वहाँ से चले जाने को बोलता है। हनी बैजर अकेला ही पैथन को झाड़ियों में खींचने लगता है। इस हनी बैजर को पैथन सांप ने जकड़ रखा था, वो खुद को छुड़ाने के लिए झटपटा रहा था। तभी वह जकॉल यानी सियार आता है। वो आते ही पैथन की आंखों में आंखें डालकर देखने लगता है। पैथन बोलता है, अबे जाना बोसड़ चाप, हमें डिस्टर्ब मत कर। लेकिन जकॉल दूसरी तरफ से कबड्डी कबड्डी करते हुए आगे बढ़ने लगता है। जकॉल को भगाने के चक्कर में पैथन की पकड़ कमजोर होती है, जिससे हनी बैजर खुद को छुड़ाता है। हनी बैजर जैसे ही फ्री होता है तो वह अपना 10 मिनट से दबा हुआ गुस्सा एक साथ बाहर निकालने लगता है। वह पैथन पर टूट पड़ता है। वह पैथन को खींचने है। वह पैथन को कोपचे में ले जाने लगता है। तभी वह और एक मेंबर की एंट्री होती है। दोस्तों जब तक इनका फोरसम चल रहा है, तब तक अगर मेरी वीडियो से आपके चेहरे पे इतनी सी भी स्माइल आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरी वीडियो से आपके चेहरे पर आई हंसी स्माइली के रूप में कमेंट में छोड़ देना। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। अब आते हैं वीडियो की ओर। इधर चौथा मेंबर जकॉल आते ही हनी बैजर के पिछवाड़े में इंटरेस्ट दिखाने लगता है, जिससे गुस्साए हनी बैजर उस पर चिल्ला के बोलता है, साले तू क्या कर रहा है और वह क्या कर रहा है, देखना झाटू, चल भाग भोसड़ी के यहाँ से। लेकिन वह फिर वापस आता है। फिर हनी बैजर दूसरे को भी वहाँ से चले जाने को बोलता है। हनी बैजर अकेला ही पैथन को झाड़ियों में खींचने लगता है। पीछे से वही जाटू जकॉल आता है और जॉकी चेन जैसी मूवमेंट करने लगता है। हनी बैजर बाहर आकर बोलता है, कुतिया तू अभी भी यहीं पर है क्या, तेरे में शर्म नाम की चीज है या नहीं। हनी बैजर पैथन को पूरा झाड़ियों में खींच लेता है और बाहर आकर दोनों जकॉल को बोलता है, अब 15 मिनट के बाद ही मिलते हैं, ओके।